हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना के बारे में। दोस्तों, प्रस्तावना जो होता है किसी भी संविधान की पहला पृष्ठ होता है। जिस तरीके से हमारे किताब में भूमिका होती है, उसी तरीके से संविधान में प्रस्तावना होती है, जिसमें उस संविधान में जो महत्वपूर्ण बातें होती है, महत्वपूर्ण बिंदुएं होती है, अंकित होती है, जिसको द्वारा हम ये जान सकते हैं कि इस संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है छिपी हुई है या क्या क्या चीज़ें बतलाई गई है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं दक्षिण अफ्रीका की प्रस्तावना किस प्रकार बनी थी, जिसके वजह से दक्षिण अफ्रीका के संविधान को हम समझ पाएंगे और ये जान जाएंगे कि क्यों दक्षिण अफ्रीका के संविधान को एक मॉडल के रूप में देखा जाता है। तो आइए देखते हैं इस संविधान की प्रस्तावना को। कह रहा है कि अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं। पहले ही लाइन है जिसमें ये बात लोगों ने माना है कि हमने इतिहास में यानी पहले एक दूसरे पर बहुत तरह के अन्याय कर रखे हैं, खास करके गोरे ने काले लोगों पर जो अन्याय कर रखे हैं उन चीज़ों को यहाँ याद किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं, यानी उन लोगों को जो है हम सैल्यूट करते हैं जिन लोगों ने अफ्रीका की ज़मीन को आज़ाद कराने और यहाँ के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने में अपनी जीवन में कष्ट झेले उन लोगों को हम सलाम करते हैं। यानी अपने पूर्वजों को यहाँ जो है सम्मान करने की बात कही गई है, जिन लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के विकास में अपना योगदान दिया है। नेक्स्ट है कि अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं। यानी दक्षिण अफ्रीका के लोगों को ये बतलाया गया कि जिन लोगों ने हमारे देश को विकसित किया और उस विकसित करने में जिन लोगों ने मदद की, हम उन सभी का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं। यहाँ आप देख लें कितनी अच्छी बात इन लोगों ने मान ली कि हम ये नहीं कहते कि ये केवल काले लोगों का है या गोरे लोगों का है, बल्कि इन लोगों ने इस बात को मानने को तैयार हो गए कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं, इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं। यानी इन्होंने कहा कि स्वतंत्र रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जो संविधान बना है, जिससे विभाजन जो है मिट रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय विकसित हो रहा है, ऐसे संविधान को जो है हम स्वीकार करते हैं। साथ ही हम ये प्रयास करेंगे कि सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके, एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने चले तथा हर नागरिक को कानून के समान संरक्षण मिले। यहाँ देखिए, इन लोगों ने अपनी इच्छा प्रकट की कि हमारी यह इच्छा है कि हम एक ऐसे संविधान चलाएं जिससे हो ये कि हर नागरिक को कानून में समान संरक्षण मिले, यानी कानून के साथ या कानून जो है उनके साथ समान व्यवहार करे। हमारी ये इच्छा है, यानी सरकार जो है वो लोगों की इच्छा के अनुसार चले, यानी लोग जिस तरीके से चाहे उस तरीके से सरकार काम करे और सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्राप्त हो।
सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई हो, अच्छा हो और हर व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ को लेकर के अच्छा करना चाहता हो या उसकी कोई इच्छा हो तो हम उसकी इच्छा का सम्मान करें, यानी उसकी संभावनाओं को, उसकी जो कार्य है उसको फलने फूलने का अवसर प्रदान करें। और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश का देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। यानी इन लोगों ने ये भी स्वीकार कर रखा कि संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो, यानी एक लोकतांत्रिक तरीके से जो राज्य हैं वो संयुक्त रूप से एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे के करीब आकर के एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जो संप्रभु हो। संप्रभु का मतलब होता है कि जो अपने अंदर और बाहर के मामलों को निर्णय करने की स्वतंत्रता रखता हो। यही रीज़न है कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है ये बदलाया जाता है। कारण यह है कि राज्य हम उसी को कहते हैं जो संप्रभु होता है। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहें तो बिहार जो है, जो हमारा राज्य है, वो राज्य न होकर के एक जो है प्रदेश हम कह सकते हैं। तो भारत जो है वो राज्य है। कारण यह है कि भारत जो है अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निर्णय कर सकता है, जबकि बिहार जो है केवल आंतरिक मामलों का ही निर्णय कर सकता है। उसमें भी बहुत सारे कंडीशन है, लेकिन अगर हम देश की बात करें तो देश जो है वो बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो इन लोगों ने तैयार रखा अपने आप को कि हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जो संप्रभु होगा और वो जो चाहेगा निर्णय ले सकेगा, और उसके तौर पर जो है हम जो है जितने लोग हैं उन सभी लोगों को उचित स्थान प्रदान कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। और अंत में इन लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि ईश्वर जो है हमारे लोगों की रक्षा करे। हमारे लोगों की रक्षा करे का मतलब हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में जितने लोग रह रहे हैं उन सभी की रक्षा करे। तो इस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के अगर हम संविधान को देखते हैं तो ये पाते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान इतनी अच्छी तरीके से लिखी गई कि आज वो दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया। और उस मॉडल को लेकर के दुनिया के बाकी जो स्वतंत्र होने वाले देश जो हैं वो इस मॉडल के द्वारा अपने संविधान का निर्माण कर रहे हैं। अब ये सब कैसे हुआ, क्योंकि अभी आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देख रखा था कि दक्षिण अफ्रीका के लोग जो थे उनकी बहुत ज़्यादा उनमें खटास थी और वे एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, लेकिन इनके बावजूद भी ये दोनों लोग जो थे एक साथ हुए और एक साथ आकर के इन लोगों ने जो है एक ऐसे संविधान की रचना कर डाली जो एक मॉडल के रूप में देखा गया। और इन सब के पीछे एक ही चीज़ थी कि एक दूसरे का भरोसा, यानी एक समाज का दूसरे समाज पे भरोसा करना ही ये बहुत बड़ी चीज़ थी। और इसी के आधार पर जो है दक्षिण अफ्रीका का इतना अच्छा संविधान लिख डाला गया। तो नेल्सन मंडेला ने इसके बारे में बात कर रखी है और उन नेल्सन मंडेला अपनी हर बात में इस बात को दोहराते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के लोग जो हैं उनके साथ जो अन्याय हुए हैं उसको वो भुला रहे हैं और भुला करके अब से ये लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने और सभी को समान अधिकार दिलाने की बात करते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों और स्त्री पुरुष में जो भेदभाव है उन सबको ख़त्म करने, श्वेत अश्वेतों में जो भेदभाव है उनको ख़त्म करने, इन सभी चीज़ों को वे भुला करके एक दक्षिण अफ्रीका के ऐसे संविधान की रचना कर डाली जो पूरे देश के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक रोल मॉडल बना। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं तब तक फिर अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।